देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष होने के नाते आप समय समय पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करते रहे हैं। आज आप किस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा मेरा स्वागत करने के लिए, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरेगांव पूर्व में कामा स्टेट एक एरिया है, वहाँ पर हनुमान नगर SRS CHS लिमिटेड प्रपोज्ड और आज़ाद नगर CHS प्राइवेट लिमिटेड प्रपोज्ड, ये दो संस्था को मर्ज करके वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाया गया है। वहाँ पे आधिकारिक रूप से यह करना चाहूँगा आपको कि जो अपात्र झोपड़ा है उसे पात्र करने के लिए लोग बनावटी दस्तावेज BMC को दिए हैं, और BMC ने पता नहीं किस प्रकार उसको पात्र किया है। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये रहा जो 92 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि फोर्ज है जी। इसका जवाब मुझे वहाँ से मिला है अडानी से कि इसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो इस बेस पे इसे पात्रता मिली है जी। इसकी शिकायत मैंने संबंधित अधिकारियों को किया है और उन्होंने मुझे इसका वचन दिया है कि योग्य कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे जी। इनके जो पात्र किया हुआ है उसे अपात्र करेंगे, और इसके साथ साथ जो ये व्यक्ति है उसके ऊपर 420 के अनुसार जो है उचित कार्रवाई करेंगे जी। और आपको बताऊंगा कि मैं इसी के साथ साथ मेरे संज्ञान में ये आया है कि वनराई पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी शिकायत करने के बावजूद विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं काफ़ी प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो शिकायत करता है उन्हें टाइम पर न्याय मिल सके, और जिसका साथ मुझे मेरे प्रेसिडेंट साहब देते रहते हैं समय समय पर, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और BMC के अधिकारियों से मेरी अभी भी मुलाकात जारी है, जब तक जो भ्रष्टाचार मिटता नहीं है जी तब तक मैं उसका फॉलोअप लेता रहूँगा जी। और डॉक्टर साहब, इसको क्या समझा जाए कि जिनके पास में पैसे हैं, जिसके पास में रसूख है, जिनका राजनीतिक दलों में पहुंच है, ऐसे लोग अपना काम करा लेते हैं और वो भी गलत तरीके से, और जो बेचारे दबे कुचले मजलूम हैं, गरीब हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं होती, उनको बेचारों को न्याय नहीं मिल पाता, वो पात्र होने उनके पास सब कागज होने के बावजूद भी वो पात्र नहीं हो पाते, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज़। इसीलिए तो हमारी संस्था बनी है जिसका नाम नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन प्रिवेंटिव ब्रिगेड है। हमारा ये काम ही है कि ऐसे लोगों को जब न्याय नहीं मिलता है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जिनकी नहीं सुनवाई होती है, वो हमारी संस्था से आके मिले, हम उनको न्याय दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क चाहेगा कि आप इसी तरह से समाज के जो दबे कुचले वर्गों की जो पीड़ा है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसको आप उजागर करते रहें। धन्यवाद सर।